अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ सर्दियों की सौगात चुकंदर की रेसिपी शेयर करूंगी। चुकंदर बहुत हेल्दी वेजिटेबल होता है, इससे हमारी आयरन की कमी भी पूरी होती है। और जो लोग चुकंदर नहीं खाते, वो अगर इसको चिकन के साथ बना के खाएँगे तो फिर इसको बार बार बनाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार होगी, आप ट्राई कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने हाफ के जी चिकन लिया है, दो प्याज ली हैं हमने, तीन टमाटर लिए हैं और तीन चार हरी मिर्चें लिए हैं, और तकरीबन हाफ के जी ही हमने चुकंदर लिए हैं। इन सबको हम चॉप कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सबको चॉप कर लिया है। इसके बाद हम एक पैन में ऑयल लेंगे। पैन को गरम करके हमने इसमें ऑयल लिया है हाफ कप। प्याज ऐड किए हमने इसमें। प्याज को हम सॉटे करेंगे, इतना पकाएंगे कि प्याज का कलर चेंज हो जाए, लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे। फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये देखें, ये ब्राउन हो गई है, तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन डालने के बाद भी हम इसको थोड़ा पकाएंगे, और जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा पानी इसका ड्राई होगा, तो हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून लिया है मैंने। इसको डालने के बाद भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम, और चिकन के साथ इसको पकाएंगे कि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी चिकन में। फिर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, तो मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, हल्दी ली है 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया लेंगे 1 टेबल स्पून, और कुटी लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद भी हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, और जब ये स्पाइसेस थोड़ा ड्राई होंगे, फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। देखिए, इस पॉइंट पे मैंने टमाटर ऐड कर दिए इसमें। टमाटर डालने के बाद भी मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी इसको, और फिर इसमें दही ऐड करूँगी। मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून दही लिया है। दही ऐड कर दी है मैंने इसमें। दही डालने के बाद भी मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी इसको। और कुछ देर पकाने के बाद मैं इसमें चुकंदर भी ऐड कर दूंगी। चुकंदर थोड़े हार्ड होते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है उसको पकने में, तो फिर वो चिकन के साथ ही पक जाएंगे। चुकंदर भी ऐड कर दिए हमने, इसको भी हम पकाएंगे कुछ देर। और जब टमाटर का दही का पानी हो जाएगा, तो हम इसके लेट लगा देंगे और इसको लेट लगा के पकाएंगे। हमें इतनी देर पकाना है कि चिकन हमारी टेंडर हो जाए और चुकंदर भी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, हमने इसकी लेड लगा दी है इतनी देर के लिए कि ये थोड़ा पक जाएगा। इसको तकरीबन हमने 7 से 8 मिनट बाद चेक किया है। अभी इसमें पानी है, क्योंकि हमने फ्लेम को स्लो कर दिया था। इसको हम चेक कर लेंगे, लेकिन अभी इसमें काफ़ी पानी था, तो हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे और फिर कुछ देर और पकाएंगे। आप भी चेक कर लीजिएगा पकाते हुए कि आपका चिकन टेंडर हुआ कि नहीं,
उसी के हिसाब से आप पका लीजिएगा इसको। फिर से चेक करेंगे हम। अब हमने फ्लेम को तेज़ कर दिया क्योंकि इसमें पानी है, तो इस पानी को ड्राई करना है हमने। हम चेक कर लेंगे इस पॉइंट पे कि चुकंदर सॉफ्ट हुए कि नहीं। चुकंदर सॉफ्ट हो गए हैं और चिकन भी टेंडर हो गया है, तो हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। ये देखें, ये रेडी है। अब हमने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है 1/2 टीस्पून। हरा धनिया भी ऐड कर देंगे हम काट के इसमें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो गए हमारा चुकंदर चिकन। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसमें ग्रेवी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रखा था। इसको आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।